हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल है और मैं अपने चैनल ऑरेंज स्काई पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा ये चैनल डिजाइन वर्ल्ड के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं, जो डिजाइन वर्ल्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं प्रिंट लाइन में और पिछले 22 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, इन सभी के बारे में मैं जानता हूँ और डिज़ाइनिंग मेरा पैशन है। डिज़ाइनिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, प्रिंटिंग और उनकी प्रॉब्लम्स भी मैटर करती हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन सीख लेते हैं कि किस तरह हमें डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चलाना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब रियल वर्ल्ड में जब हम जॉब करने के लिए पहुंचते हैं या अपना कोई फ्रीलांस जॉब शुरू करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमें इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती इनके बारे में। जॉब करते करते, डिज़ाइन बनाते बनाते हम सीखते हैं कि इस डिज़ाइन में हमें ये प्रॉब्लम आती है, इस डिज़ाइन में हमें ये प्रॉब्लम आती है और उन्हें हम सॉल्व कैसे करें, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि बहुत से लोगों को टीम मिल जाती है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हमेशा अकेले ही मैंने काम किया है मोस्टली, और दूसरों से जो मैं सीख सका वो मैंने सीखा, तो उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने भी डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊं जिससे कि आप वो चीजें सीख सकें जो सीखने में आपको काफी टाइम लगना है, जो आप या तो नेट पर सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे, कभी कोई ठीक बताए ना बताए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, प्रिंटिंग और डिजाइनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे वीडियोस आप देखिए, उसमें कोई कमी लगती है आपको तो वो मुझे बताइए, मैं उनको ठीक से दोबारा बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। और अगर आपके कोई सवाल है, कुछ ऐसे इश्यू हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझे बताइए, मैं उनको देखूंगा कि क्या मैं अच्छा उनके लिए बना सकता हूँ उन इश्यूज़ को लेकर, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द सॉल्व कर पाएं। और सब मैंने CorelDraw चलाया है, पेज मेकर चलाया है, InDesign, फोटोशॉप, Illustrator, QuarkXpress, MS Office, MS Excel, PowerPoint, Acrobat और DC और Mac पर काम करने क्या डिफरेंस है और क्या बेटर है, इन सभी टॉपिक्स को लेकर मैं कुछ ना कुछ वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहूँगा जिससे कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें और जाने कि आपके लिए क्या बेटर है। क्योंकि जब हम फ्रेशर्स होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, हमें जो डायरेक्शन मिलती है हम उसी में चले जाते हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आपको शेयर करूँगा उसको सारा, आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ आपको क्या करना है, आप मुझसे पूछिए, आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, जो भी आपको लगे कि हाँ ये ठीक नहीं है आप मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा कुछ ना कुछ कोई इम्प्रूव करके उस वीडियो को दोबारा बनाऊंगा। ये मेरा पहला स्टार्टिंग वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ऑडियंस का है और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसमें उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं और अपनी कमियों को हटा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपसे अपने पहले सॉफ्टवेयर CorelDraw की क्लास में, देखेंगे कैसे कैसे CorelDraw हम सीखते हैं और किस किस तरह उसमें किस टाइप के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। बाय गाइस।